गुजरात में आमतौर पर माना जाता है कि यहाँ पर महज दो पार्टियां ही चुनाव लड़ती हैं, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन इस बार निकाय चुनाव की परिभाषा बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैदान में उतरी है आम आदमी पार्टी, बीटीपी। ये बेहद दिलचस्प होगा निकाय चुनाव, क्योंकि अब बीजेपी ने अभी से ही कमर कसना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक और आपके साथ मैं हूँ सौम्या। बीजेपी के नेता जेपी नड्डा दो दिन की गुजरात मुलाकात पर है। ये उनकी मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही है कि ये मुलाकात में स्थानिक निकाय चुनाव की रणनीति भी तैयार की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में हिस्सा लेंगे। यहां संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी उनकी मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले जेपी नड्डा पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर तैयारियों का जायजा लेंगे। पार्टी की बैठक गांधीनगर में आयोजित होगी, जिसमें गुजरात बीजेपी चीफ सीआर पाटिल समेत सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी शामिल होंगे। अनुमान है कि निकाय चुनाव फरवरी मार्च में हो सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी भी गुजरात निकाय चुनाव में किस्मत अजमाएगी। गौरतलब है कि निकाय चुनाव के साथ साथ जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी सक्रिय हैं। गुजरात में जानकारों की माने तो आप और बीटीपी एआईएमआईएम का गठबंधन के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। गुजरात में पिछले 25 साल से बीजेपी एक हत्था शासन चला रही है। इसके बावजूद आज भी गांव हो या कॉरपोरेशन का इलाका, साफ पानी, सड़क और स्वच्छता प्रमुख मुद्दे हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में इस बार लोगों को बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरा विकल्प भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात तक। बेहद दिलचस्प होगा इस बार का स्थानिक निकाय चुनाव। देखना यह होगा कि कौन मारेगा बाजी और किसका पलड़ा होगा भारी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।